अगर कोई एक बंदा सीखता है परफ्यूम बनाना या फ्रेग्रेंसेस बनाना केमिकल के कॉम्बिनेशन से, तो वो पर मंथ कितना अर्न कर सकता है? उस वो मिलियनेयर बनने में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। आपने मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम देखे होंगे, जैसे डियोर, शैनेल हो गया, हारमन्स हो गया, अरमानी हो गया, गुची हो गया, ऐसे बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड आपने देखे होंगे और यूज़ भी करते होंगे। तो इन सभी परफ्यूम के बनाने के पीछे एक फॉर्मुलेशन का हाथ होता है, और आज इस पॉडकास्ट पे फॉर्मुलेशन के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। मीट डीके जोशी सर। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय जोशी है और सभी लोग मुझे डीके के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया डीके सर। तो डीके सर, थोड़ा और बताइए अपने बारे में कि आपको इस फील्ड के अंदर कितने सालों से एक्सपीरियंस है, आप कब से ये चीज़ें करते आ रहे हैं? जी जी जी, मैं ये सब बताने वाला था कि ये फील्ड के अंदर मैं तकरीबन 25 साल से हूँ। मैं इंडिया से स्टार्ट किया था ये परफ्यूम का बनाना, और उसके बाद मैं गल्फ कंट्री में चला गया, मिडल ईस्ट में। वहाँ पर एक कंपनी के साथ में 20 साल से मैं पूरा एक्सपीरियंस किया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मुलेशन सब कुछ सीखा। और उसके बाद में मुझे कुछ लगा कि आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं वापस इंडिया आ गया। और इंडिया से मैंने अपने जितने स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को मुझे कुछ सिखाने की ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपने लोगों को क्यों न सिखाए, अपने लोग आगे क्यों न जा सके। तो उसके लिए मैंने ये कंट्री में आके इंडिया में बॉम्बे में मेरा ऑफिस लेबोरेटरी सेट किया, और लगा कि चलो यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं सिखाएं। ये परफ्यूम लाइन ऐसी है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसमें बहुत कुछ मार्जिन भी है और बहुत कुछ मार्केट भी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। तो लोग मालूमात क्यों नहीं, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता है, सारे सीक्रेट्स है, और वो सारे सीक्रेट्स मैं खोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो एक लाइन में लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ हो, इंडिया के स्टूडेंट को काम मिले, और ये चीज में आप आगे जाए, तरक्की करें, उसके लिए जो भी फार्मुलेशन चाहिए, जो भी मदद मेरे से चाहिए, मैं करने के लिए राजी हूँ। जैसे अभी बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में, आजकल देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे अभी मैंने नाम लिया डियोर, शैनेल, तो ये सब कैसे बाहर के ब्रांड है जो कि लोग इंडिया में भी यूज करते हैं, बाहर भी यूज करते हैं। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांड है। अभी देखो शार्क टैंक में आया था आदिल कादरी, और फिर उसके बाद ऑनलाइन एड्स पे आपने बहुत सारे एड देखे होंगे बेला विटा के, और भी ऐसे उससे मिलते जुलते और भी कई सारे ऐसे फ्रेग्रेंस ब्रांड है जो कि मार्केट में चल रहे हैं। तो चलो उसके ऊपर बातचीत करते, तो क्या आपका क्या नजरिया है उस पर? नहीं, अच्छी बात है कि ये आप जो नाम लिए आदिल कादरी और बेला विटा ऑनलाइन मार्केटिंग में, इनके पास भी अपना खुद का स्पेशल, वो भी स्ट्रगल करके ही आगे आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक झटके में फार्मूला बना लिया, सीख लिया और आगे चले गए। उन्होंने स्ट्रगल किया, पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, वो एक टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके की टेक्नोलॉजी में आपको सभी लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे फार्मुलेशन बनते हैं, कैसे अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बने जिसकी वजह से आपका नाम हो, मार्केटिंग का एक फंडा है, कैसे मार्केटिंग करें। उसके लिए मेरे पास मेरा अपना एक यूनिक फार्मूला बेस सब कुछ है। मार्केटिंग तो आप जानते हैं, आप उसके लिए स्पेशलिस्ट है, मार्केटिंग कैसे करें, और मैं फार्मुलेशन बनाना और सिखाना जानता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ डीके सर, जैसे जो भी कई तरह के कैटेगरीज होते हैं फ्रेग्रेंस में, सबकी अलग अलग टाइप होती हैं, तो कितने सारे केमिकल्स है मार्केट में अवेलेबल, फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जो कि यूज होते हैं, कितने आप एक नंबर बता सकते हैं? एक 10,000 से ज़्यादा फार्मुलेशन है जो सभी के लिए लगते हैं, उसके बिना फार्मूला नहीं बनेगा। केमिकल्स 10,000 से ज़्यादा है अवेलेबल। अच्छा। और सारे केमिकल्स इंडिया में ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि जैसे डीके सर ने अभी बताया कि जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ये कई सारे कंट्री भी विजिट कर चुके हैं, 20 सालों से ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर है, और डीके सर ने खुद 80,000 से ज़्यादा फार्मुलेशन क्रिएट किए हैं। अभी डीके सर ने बोला 10,000 आपको मिनिमम लगते ही लगते हैं फार्मुलेशन जो आप फ्रेग्रेंस बनाते हो। डीके सर ने खुद 80,000 से ज़्यादा फार्मुलेशन क्रिएट किए हैं। तो डीके सर, थोड़ा जर्नी को थोड़ा वो करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, कौन कौन सी कंट्री आपने विजिट किया, ये सारी चीज़ें। हाँ, और पहली बात तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि फार्मुलेशन बनाना, फ्रेग्रेंस बनाना, परफ्यूम बनाना, उसके लिए आपको एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप केमिस्ट्री हो, साइंस में ही पढ़ना चाहिए या परफ्यूमरी का कोर्स किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो भी आपकी अगर तमन्ना है कि आपको परफ्यूम बनाना है, आपने सीखने की एक जिद होती है, वो जिसके अंदर है, एक पैशन है, वो आदमी परफ्यूम बना सकता है।
अच्छा। बस एक पैशन हो आदमी का, और ऐसे लोग, मेरी जर्नी इसी तरह से, मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा पढ़ाई साइंस से कोई मेरा लेना देना नहीं है, और मैं इंडिया से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बन के दुबई में गया, दुबई में एक कंपनी में काम किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, वहां से मुझे कोई परफ्यूम कंपनी ने उठाया और वहां से फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ, और मैं परफ्यूम बनाना सीख गया, परफ्यूम बेचना सीख गया, और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है उसके लिए मैंने 25 साल के अंदर सऊदी, दुबई, कुवैत, कतार, बहरीन, ओमान, चाइना, इथोपिया, अफ्रीका के सारे कंट्रीज, मुंबासा, तंजानिया, लीबिया, केनिया, सूडान, सोमालिया, ये सारे कंट्रीज में मैं ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ, और रेगुलर मेरा ट्रैवलिंग होते रहता है। कोई ना कोई मेरे स्टूडेंट्स है, कोई मेरे क्लाइंट्स है जो मुझे ये सिखाने के लिए बुलाते हैं, कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं, किसी को अपना खुद का फैक्ट्री डालना होता है तो उसके लिए मुझे वहाँ सेटअप के लिए बुलाते हैं। अच्छा जी, तो जब आप आईटीआई कर रहे थे तो उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट कैसे किया, आपको उन्होंने बताया कैसे कि आप फॉर्मुलेशन वगैरह बना सकते हो, फ्रेग्रेंस वगैरह बना सकते हो, किस तरह से ये जर्नी? हाँ, ये जर्नी क्या हुआ कि मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए एक कंपनी में काम करता था दुबई में, तो वहां पे मेरा एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे परफ्यूम कंपनी है, उनके पास एक मशीन है जिसकी वजह से परफ्यूम बनता है। अच्छा। या जिसमें सेलोफेन लगता है। अच्छा। तो आप रिपेयर करोगे क्या? तो मैं वो रिपेयर करने के नाम से आधा दिन वो कंपनी में और आधा दिन वो कंपनी में काम करता रहा, उनकी मशीन बन गई। उसके बाद वहां के जो ओनर है, जो लोकल वहां के अरब है, वो मेरे ऊपर बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ये कंपनी छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे पूरा मार्केटिंग करना, परफ्यूम बनाना, परफ्यूम बेचना, वो सारा प्रोडक्शन के साथ में सिखाया, और वैसा मेरा फिर इंटरेस्ट बढ़ते गया, मैं सीखते गया इस तरह से रहा। अभी जैसे आपने बोला आईटीआई आपने किया था, और मैं जानना चाहूँगा अभी जैसे बहुत लोग कह रहता है कि इंडिया के अंदर आईटीआई करते हैं और नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते हैं जी, तो आपको वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जाने का किस तरह से मौका मिला था? हाँ, आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए मुझे एक कंपनी थी यहाँ पे सैमसंगाइट नाम की, वो कंपनी ने बोला कि भाई हमारे पास सूटकेस बनाने की कॉस्मोप्लास्ट नाम की दुबई में कंपनी है, आपको इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर का जॉब चाहिए तो हम लेके जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे पासपोर्ट निकाला, वीजा, टिकट सब कुछ किया, और मैं इलेक्ट्रिशियन बन के वहाँ पे एकदम छोटे सैलरी में जाके काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ पे जो है कि आपने सारी चीज़ें जो है, कई लोग आपको नेटवर्किंग के हिसाब से मिले, जो शेख वगैरह मिले, उन्होंने आपको सारी चीज़ें सिखाया जी। तो फ्रेग्रेंसेस के अलावा और भी क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो कि आप फॉर्मूले से क्रिएट करते हो और लोग क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, फ्रेग्रेंस के अलावा और बहुत सारी, जैसा बखूर है जिसको हम लोग यहाँ इंडिया में अगरबत्ती बोलते हैं, अगरबत्ती का एक मार्केट है इंडिया में, पूरे इंडिया में सब लोग अगरबत्ती जलाते हैं, हर घर में अगरबत्ती बनती है, जलाई जाती है, यूज होता है, तो 130 करोड़ पब्लिक में पर डे इतनी सारी अगरबत्ती जलती है, इतना मार्केट बड़ा है, इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट है अगरबत्ती का। उसी तरीके का सेम मार्केट मिडल ईस्ट में बखूर का है, जो चारकोल पे बनाया जाता है, चारकोल पे जलाया जाता है, अगरबत्ती खुद से जलती है ताकि उसके अंदर बाम्बू स्टिक है, और बखूर जो है वो उसके अंदर बाम्बू नहीं है, उसको चारकोल का इस्तेमाल करके जलाया जाता है, जिससे पूरे घर में एक स्पिरिचुअल माहौल तैयार होता है। बढ़िया। तो अभी हम लोग बातचीत करते हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया डियोर, सेनेल और ये सारी चीज़ें, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, जैसे बेला विटा हो गया, आदिल कादरी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटीज़ है, वो भी अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो मेरे को ये जानना है, जो ऑलरेडी मार्केट में इतने बड़े लेवल पे बेच रहे हैं, उनके परफ्यूम का प्राइस इतना हाई क्यों रहता है, और जो यहाँ इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे ब्रांड्स है वो जो बेच रहे हैं उनमें क्या अंतर है, वो इतना छोटे अमाउंट पे क्यों बेच रहे हैं? हाँ, वो एक मार्केटिंग का एक फंडा है, क्योंकि कोई भी ब्रांड है, जैसा कूल वाटर है डेविडॉफ का, उनका जो परफ्यूम बनाते हैं वो लोग, वो 2,000 रुपये में बचते कूल वाटर का 100 ml का। अच्छा। वही सेम परफ्यूम अगर हमने इंडिया में बनाया, अपने ब्रांड पे गया, तो उसका 200 से 400 रुपए से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अच्छा। वो कॉपी है। तो हम ये सब लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कोई किसी का कॉपी मत करो। वो लाइन ठीक है, कूल वाटर सबको पसंद है, आप कूल वाटर जैसा बनाओ, कूल वाटर से लेकिन हटके बनाओ, उनसे अलग बनाओ, और मेन चीज़ मार्केटिंग में ध्यान दो। अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी है और आपका प्रोडक्ट में पूरा दम है,
कूल वाटर से भी अच्छा प्रोडक्ट आपने बना लिया, कुछ मेरे फार्मुलेशन से आपने कहा कूल वाटर अगर ओरिजिनल 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहता है, लेकिन मैंने कोई फार्मुलेशन दिए उसकी वजह से वही कूल वाटर आपका 10 घंटा या 12 घंटा रुकता है और उससे कुछ अलग हटके लाइन है, यानी लोगों को जो पसंद आएगा और अपना खुद का क्रिएशन रहेगा और ज़्यादा टाइम रहेगा तो उससे आपका नाम बनेगा, आप अच्छे खासे प्राइस में बेच सकते हैं। अच्छा जी, बढ़िया। और जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग्स में आपसे मिलने आया था तो आपके पास कई सारे ऐसे वुड वगैरह थे सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आप बताइए कि मतलब और जैसे आजकल वो ट्रेडिशन चला जैसे सिखों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बता रहे थे ऊद वगैरह, अगर उड का भी बहुत बड़ा मार्केट है स्पेशली गल्फ कंट्री में और अभी आजकल पूरा ट्रेंड चल रहा है यूरोप कंट्री में। यूके में मेरी बेटी पढ़ाई करती है, अभी उन्होंने बताया कि अगर उड़ का पप्पा यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड है जिसकी वजह से सब लोग चाहते हैं कि अगर उड़ की खुशबू बनाए नेचुरल तरीके से, अगर उड़ बेचे या तो आर्टिफिशियल तरीके से वही खुशबू आपको मिलनी चाहिए तो उसका अच्छा डिमांड है। सैंडलवुड और अगर उड़ ये दो ऐसी चीजें हैं जो अपने पास इंडिया में बहुत अच्छा उसका मतलब पैदाइशी फार्म है। आसाम में अगर उड़ बनता है और सैंडलवुड केरला में बनता है, तो उसी तरीके से वो लकड़ी को लेके उसके फ्रेग्रेंस हम लोग निकालते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और उससे कुछ फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं। तो काफी बढ़िया है जी। तो आई गेस पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है तो डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं कि आप तो लोगों को टीच भी करते हैं, आप खुद बता रहे थे, तो फिर आप किस तरह से टीच करते हैं, जरा आप गाइड कर देंगे? हाँ, मैं पहले तो जो स्टूडेंट है उसको क्या चाहिए वो समझना चाहता हूँ, ताकि उसको बेसिक पहले शुरुआत होनी चाहिए, ताकि परफ्यूम क्या है, कैसे वो बनता है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और कहाँ से वो लेना है और कहाँ वो बेचेगा, तो ये सारी चीज़ें पहले उसको समझना जरूरी है। वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये बेसिक 5-6 चीज़ें हैं, कहाँ बेचना, किसको बेचना, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना और वो कैसे बनाना और क्या उसके टेक्निक है, वो सब मैं पहले फंडा जो नया है लड़का है जो बिगिनर्स है उसको सिखाता हूँ, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। उसके आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग जाते हैं, जैसे जैसे उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे अभी मैं ये सीख गया हूँ, मुझे आगे और आगे का जो आपका स्टेज है वो सीखना है, तो मैं वो सिखाऊंगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। जो सबको जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, इंटरेस्ट रहता है कि अगर कोई एक बंदा सीखता है परफ्यूम बनाना या फ्रेग्रेंसेस बनाना केमिकल के कॉम्बिनेशन से, तो वो पर मंथ कितना अर्न कर सकता है अगर उस इस फील्ड के अंदर वो घुसता है तो? कोई भी बंदा एकदम नया बिगिनर अगर ये फील्ड में घुसता है जिसको ये परफ्यूम बनाना कुछ भी आता नहीं था लेकिन मेरे फार्मुलेशन से मेरे ट्रेनिंग से वो सीख गया, तो 2 महीने के अंदर वो 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से बैठ के कमा सकता है। बस उसको मार्केटिंग सीखना है, बेचना है और अच्छे से बनना है अपना प्रोडक्ट। और अगर वो सीख जाता है मतलब कम टाइम में वो एकदम अच्छे खासे से सीख जाता है, तो फिर वो कितने एक्सपांड तक कर सकता है? वो लैक के ऊपर जा सकता है? जी जी, उस वो मिलेनियर बनने में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, ताकि ये परफ्यूम ये ऐसी चीज़ है अगर किसी को पसंद आई 10 रुपये की चीज़ आप 1 लाख में बेच सकते हो क्योंकि वो पसंद है उसको, आप जितना चाहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है कि भाई 10 रुपये की चीज़ 1 लाख में क्यों बेचते हो, क्योंकि वो आदमी को उसका शौक लग गया है, आदत हो गई है, इसके लिए उसमें आदमी में बिंदास क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो मिलेनियर बनेगा ही बनेगा। बात सही है। तो बस यही था आज के पॉडकास्ट में, आई होप आपको थोड़े बहुत इंसाइट्स मिले होंगे कि आप किस तरह से फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करके फॉर्मुलेशंस को यूज़ करके फ्रेग्रेंस बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है कि किस तरह से फ्रेग्रेंस फॉर्मुलेशन से बनाते हैं तो डी के सर आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आप जो है www.dkaromachemicals.com पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डी के सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाते हैं। मैंने खुद जो है कि थोड़े बहुत चीज़ें सीखी डी के सर से, इन्होंने बताया और फ्रेग्रेंसेस मुझे इन्होंने स्मेल करवाया जो कि काफ़ी बढ़िया था। तो होप करता हूँ आपको इंसाइट्स मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू डी के सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू।